माइसेल्फ भवदेव सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी और आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है गाटरमैन कोच रिएक्शन के बारे में, गाटरमैन कोच अभिक्रिया के बारे में। तो जो है गाटरमैन कोच रिएक्शन है इसका यूज हम करते किसमें हैं, पहले आप देखिए कि ये जो रिएक्शन है इसका यूज हम करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। जो बेंजल्डिहाइड है, जो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इनकी प्रिपरेशन में ये रिएक्शन हम काम में लेते हैं। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है, या एक फॉर्मलेशन यानी फॉर्मलीकरण टाइप की रिएक्शन है। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये फॉर्मलेशन है ये होता क्या है, कि जो बेंजीन की रिंग होगी उस रिंग पर फॉर्माइल जो ग्रुप होगा, फॉर्मिल जो समूह होगा, ये ग्रुप आकर ऐड होगा। और ये होता क्या, देखिए ये होता है सी डबल वन ओ और ये एच, जो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है इस ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, सी एच ओ ग्रुप को कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप। तो बेसिकली ये रिएक्शन एक फॉर्मलेशन टाइप की रिएक्शन है। तीसरी बात ध्यान रखोगे कि ये जो रिएक्शन होती है गाटरमैन कोच रिएक्शन, ये है क्या, यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब इंस्टीट्यूशन रिएक्शन है। क्या है, यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि ये जो रिएक्शन है इसकी केमिकल रिएक्शन होती क्या है और किस प्रकार से हम इस रिएक्शन को शो करते हैं। तो इसकी हम लिखेंगे अब केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो जो है गाटरमैन कोच रिएक्शन है इसमें होगा क्या, सबसे पहले आप यहां पर लेंगे बेंजीन या इसके डेरिवेटिव को। तो देखिए मैंने यहां पे क्या लिया, ये लिया मैंने यहां पर बेंजीन, और जो बेंजीन है उसकी रिएक्शन आप कराओगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ। और ये रिएक्शन जो आप यहां कराएंगे ये कराएंगे आप एनहाइड्रस यानी निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की प्रजेंस में, या फिर आप इसकी जगह पर आप लोगे क्यूप्रस क्लोराइड को CuCl को। और जो आप यहां पर ये लेंगे इनमें से कोई भी वो काम करेगा एज ए कैटलिस्ट की तरह, उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा एक्टिव कैटलिस्ट। अब यहां जब रिएक्शन होगी आपको मिलेगा क्या, वो देखिए ये तो हो गया आपका यहां पर बेंजीन रिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि बेंजीन रिंग पर जो एच होगा वो हटेगा यहां से और उसकी जगह पर सी एच ओ ग्रुप, जिसे हम कहते हैं फॉर्माइल ग्रुप, ये आकर यहां पर रिंग पर एड हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है, फॉर्मलेशन रिएक्शन है। और जो कंपाउंड आपको यहां पर ये मिलेगा इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, ये होता है बेंजल्डिहाइड। और साथ में आपको यहां मिलेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो रिएक्शन मैंने यहां पे लिखी है ये कौन सी रिएक्शन है, यह एक गाटरमैन कोच रिएक्शन है। तो ये होगी इस रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट, फिर हम बात करेंगे इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में, क्रियाविधि के बारे में, जिससे आपको ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है ये आपको इजी गोइंग में आराम से आसानी से समझ में आएगी। अब यहां पर हम बात करेंगे गाटरमैन कोच रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में। पीछे हमने बात की थी इस रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन के बारे में, अब जो मैकेनिज्म है उसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है ये प्रोसीड होती है 3 स्टेप में। तो यहां देखिए सबसे पहला जो आप स्टेप लेंगे
स्टेप नंबर वन, उस स्टेप का नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल क्लोराइड। तो जो ये हमारा पहला स्टेप है, इसके लिए सबसे पहले आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए आप यहां पर ये लिखा मैंने C, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया O, और यहां पर आप देख रहे हैं कि O यहां पर बना रहा है ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, यानी O ने अपना एक लोन पेयर यहां पर दिया है। तो इस O पे क्या आएगा, यहां पर इस O पे आएगा यहां पर प्लस चार्ज। अब देखिए आप कार्बन, कार्बन यहां पर बना रहा है तीन बॉन्ड, यानी इस कार्बन के पास यहां पर क्या होगा, एक लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज होगा, और यहां पर भी क्या होगा, एक होगा लोन पेयर, और जो O है इसके पास भी क्या होगा, एक लोन पेयर। तो ये हो गई यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की लेविस स्ट्रक्चर। अब होगा क्या कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सबसे पहले करेगा रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो देखिए यहां पर रिएक्शन जो होगी वो कैसे होगी। तो याद रखोगे आप कि ये जो H है और ये Cl, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl, तो Cl पर तो आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और यहां से ये जो H है ये यहां से निकलेगा H प्लस के रूप में। अब आप देख रहे हैं इस पर प्लस चार्ज है, तो ये जाएगा किसके पास, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, और नेगेटिव चार्ज है कार्बन के पास, तो ये H जाएगा इस वाले कार्बन के पास जाकर ऐड होगा। तो देखिए होगा क्या कि ये कार्बन आपका है इस वाले कार्बन के पास, ये H जाकर यहां पर हो गया ऐड, ये प्लस था, ये माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, यहां पर लगा हुआ क्या है ट्रिपल बॉन्ड। अब ये आपको पता है O, इस O के पास क्या है, एक लोन पेयर, और O पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। ये स्ट्रक्चर आपको यहां मिली है। अब आपको ध्यान है कि ये तो गया था एच प्लस ग्रुप में, अब यहां पर बचा कौन, Cl नेगेटिव, इसके साथ यहां देखिए रिएक्ट करेगा आप कौन, Cl नेगेटिव, जो यहां से आपको मिला है। अब देखिए होगा क्या कि जब ये रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, जरा वो ध्यान से आप देखिए कि यहां पर कार्बन और O में O है इलेक्ट्रो नेगेटिव और O पे है प्लस चार्ज, तो होगा क्या, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होंगे O के ऊपर, तो प्लस चार्ज यहां से हट जाएगा। होगा क्या, जो कार्बन है इस पर क्या आएगा, अब शिफ्ट किए आपने तो ये जो कार्बन इस पर आएगा प्लस चार्ज, प्लस चार्ज जब कार्बन के पास आएगा तो आप देखोगे कि ये जो Cl नेगेटिव है ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन के पास आकर ऐड होगा। चेक कीजिए एक बार, ये आपका एच है, ये आपका यहां पर कार्बन है। अब यहां पर क्या बचा, केवल यहां बचा केवल डलवन, और O के पास आपको ध्यान है या आ गया दो रेंग लोन पेयर, एक पहले से था ही, एक और आपने शिफ्ट कर दिया, और जो एक कार्बन है इस पर कौन जुड़ेगा आकर, इस पे आ गया था पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, शिफ्ट किए इलेक्ट्रॉन तो आपने, तो इस वाले कार्बन से जुड़ गया कौन, Cl, और जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसका नाम हो जाएगा क्या, फॉर्मल क्लोराइड। ये आपको यहां पर मिल गया और ये आपका पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। ये आपका स्टेप नंबर वन है जिसका नाम था फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल क्लोराइड। अब देखिए होगा क्या, अब यहां पर हम बात करेंगे स्टेप नंबर सेकंड के बारे में। जो दूसरा स्टेप है उस स्टेप का नाम क्या है, उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर क्या होगा, इस स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट होगा। होगा कैसे कि जो आपका पहले स्टेप में बना है फॉर्मल क्लोराइड, देखो ये लिखा मैंने H, ये हो गया CO और ये हो गया Cl, ये आपका फॉर्मल क्लोराइड। अब आप देखेंगे कि कार्बन और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे Cl के ऊपर। तो होगा क्या, जो ये कार्बन है जो यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला कार्बन, इस पर क्या आएगा, इस पर आ जाएगा यहां पर प्लस चार्ज, तो ये कार्बन जो है इस पर आ गया यहां पर प्लस चार्ज। अब जो Cl था उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज,
अब इसके साथ कौन करेगा रिएक्ट? यहां पर जो लिया है आपने AlCl3, जो होता क्या है, लोइस एसिड है जो काम करता है जैसे कैटलिस्ट की तरह, तो Cl नेगेटिव ये जाएगा इसके पास, तो ये जब इसके पास जाएगा Cl नेगेटिव तो ये यहां पर जनरेट करेगा, बनाएगा क्या, AlCl4 नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा। और जो यहां पर ये बनाए इसको आप नाम देंगे तो इसका नाम होता है फॉर्मिल कैटायन। और जो ये फॉर्मिल कैटायन है यहां ध्यान रखोगे ये यहां पर क्या होगा, ये होगा एक इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रागी की तरह काम करेगा। फॉर्मिल कैटायन कहो या फॉर्मिल कार्बो कैटायन कहो। अब यहां पर बात करेंगे थर्ड और लास्ट स्टेप के बारे में, तो यहां देखिए जो थर्ड स्टेप है उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ बेंजेंडिहाइड। तो देखिए आप इस स्टेप में होगा क्या, इस स्टेप में होगा क्या कि आप यहां लेंगे बेंजीन को, देखिए यहां पर मैंने ले लिया बेंजीन को, इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन, और आप जानते हैं कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के पास क्या होता है, एक एच, तो मैंने यहां पर एच को शो कर दिया। अब इस बेंजीन पर अटैक कौन करेगा, अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल जो सेकंड स्टेप में जनरेट हुआ है। तो यहां देखिए लिखा मैंने ये इस प्रकार से, ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ और ये हो गया आपका एच, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, इस पर है प्लस चार्ज, ये क्या है फॉर्मिल कार्बो कैटायन जो यहां पर काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये अटैक करेगा किस पर, बेंजीन पर। तो चेक कीजिए यहां पर जो ये अटैक करेगा तो रिएक्शन जो होगी यहां पर कैसे होगी। तो यहां चेक कीजिए एक बार कि यहां पर आप देखेंगे कि ये कार्बन है और यहां पर कार्बन है, ये है यहां पर डलवन। अगर यहां पर मैंने क्या किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैंने शिफ्ट कर दिया इस वाले कार्बन के पास, तो जो ये कार्बन इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, इस पर क्या रहेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो होगा क्या, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो ये कार्बन जाएगा वहां पर जहां पर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये कार्बन अटैक करेगा कहां पर, इस वाले कार्बन के पास जिससे एच जुड़ा हुआ है। तो जब ये अटैक करेगा तो देखिए यहां पर आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, तो ये तो हो जाएगा इस प्रकार से, आप देख रहे हैं यहां पर ये बॉन्ड रहेगा सेम, ये बॉन्ड रहेगा यहां पर सेम, यहां पर एक एच पहले से है ही, मैंने बताया कि इस वाले कार्बन से जुड़ेगा कौन, फॉर्मिल कैटायन का जो कार्बन है जिसपे प्लस चार्ज है वो यहां जुड़ेगा इस वाले कार्बन से, और ये जो कार्बन है पास वाला जिस यहां पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपको यहां पर मिलेगी जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जिसका नाम क्या था, फॉर्मिल कार्बो कैटायन कहो या फॉर्मिल धनायन कहो। अब होगा क्या वो देखिए, जो ये स्ट्रक्चर आपको यहां मिली है इसमें से होगा क्या, डी प्रोटोनेशन होगा, यानी एच प्लस का रिमूवल होगा। कैसे देखिए, होगा कैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं प्लस चार्ज है, तो होगा ये कि जो आपका यहां पर AlCl4 नेगेटिव है ये आ जाएगा यहां पर, तो होगा क्या, इस बॉन्ड को आप शिफ्ट कर देंगे यहां पर, क्या किया आपने, इस बॉन्ड को आपने शिफ्ट कर दिया इस जगह, तो यहां पे क्या रहेगा, डलवॉन कंजुगेशन हो जाएगा, प्लस चार्ज हट जाएगा और ये एच निकलेगा एच प्लस के रूप में यहां से रिमूव होगा। और जब ये एच एच प्लस के रूप में रिमूव होगा तो वो उसके साथ करेगा रिएक्शन, तो ये यहां पे निकालेगा क्या, ये तो निकालेगा इसके साथ वापस क्या एच सी एन निकालेगा, और ये हो जाएगा वापस क्या AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। और यहां देखिए क्या स्ट्रक्चर आपको मिलेगी एज ए प्रोडक्ट, तो यहां देखोगे आप ये तो होगी आपके रिंग, ये बॉन्ड यहां पर पहले से है ही, ये बॉन्ड भी यहां पर है, इसको आपने बॉन्ड को शिफ्ट किया यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर आ गया, रिंग हो गया कंजुगेशन, और ऊपर इस वाले कार्बन के पास कौन जाकर COH ग्रुप यानी फॉर्मिल ग्रुप आकर ऐड हो गया। और यहां देखोगे आप
ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। यानी बेसिकली ये जो गाटरमैन कोच रिएक्शन है इसका यूज हम किसमें करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन काम में आती है। और इस रिएक्शन में ध्यान रखेंगे कि जो आपने काम में लिए थे एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड, ये यहां पर इस रिएक्शन में ये काम करते हैं किसकी तरह, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की तरह ये इस रिएक्शन में काम करते हैं। और ये होगी हमारी गाटरमैन कोच रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो आज के लेक्चर में हमने बात की गाटरमैन कोच रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो ध्यान रखेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।